आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन। व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? जब भी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, अगर ईस्ट को यूज़ करते हैं तो वो फर्मेंटेशन होती है। अनदर जो इसकी डेफिनेशन होती है, केमिकल कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शुगर होती है, इनटू अल्कोहल और एसिड, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसको यूज़ करते हैं वाइन एंड बियर की प्रोडक्शन के लिए। अनदर जो डेफिनेशन है इसकी, कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग सेल होते हैं उनको एनर्जी ऑब्टेंड होती है थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या फिर अदर सिंपल शुगर के ब्रेकडाउन से उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑब्टेन होती है। एंड इसमें कोई भी ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है, तो इसलिए जो प्रोसेस है वो एनारोबिक है। यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी होती है वो लेस होती है देन द एरोबिक प्रोसेस से। फर्मेंटेशन जो टर्म थी उसको सबसे पहले यूज़ किया था लुईस पाश्चर ने इन 19th century में। देन केमिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन, इसके अंदर जो अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस आती हैं वो हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एरोबिक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मींस विद एयर जो रिएक्शन हो रही होती है वो। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में। कितनी एनर्जी मिलती है? 2900 किलो जूल। तो ये थी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहली है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस स्टेज होती है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट के अंदर, और कितने ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं? 2। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये अनदर साइकिल है, इसमें भी कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं? 2। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें मिलते हैं 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और ऑक्सीजन क्या होती है? वो फाइनल एक्सेप्टर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जिसकी वजह से ATP ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स इसमें कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी, वो होगी ग्लाइकोलिसिस। जैसे एरोबिक में तो 3 थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, सिट्रिक एसिड साइकिल थी, ग्लाइकोलिसिस थी, बट सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस, कोई क्रैब्स साइकिल नहीं होगी। क्रैब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल एक ही हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा यहाँ पे। फिर है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ग्लूकोज जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? इथाइल अल्कोहल में। बीच में क्या बनेगा? पायरूविक एसिड बनेगा, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें भी जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या है? लैक्टिक एसिड है। और यहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है, ये फर्मेंटेशन मोस्ट कॉमनली अक्कर होती है मसल्स के अंदर। तो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पहले पायरूवेट बना, और पायरूवेट से फिर लैक्टेट बन गया, तो ये इसका एंड प्रोडक्ट होता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के प्रोड्यूस होते हैं? जैसे इथेनॉल है, ये अगर अल्कोहल होती है ये ईस्ट से प्रोड्यूस होती है, और किस तरह इसका यूज़ होता है? बीवरेजेस में या सॉल्वेंट की तरह। फिर होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी ईस्ट से ही प्रोड्यूस होता है, और इसका यूज़ होता है एक्सप्लोजिव बनाने में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस से प्रोड्यूस होता है? लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस, ये एक ऑर्गेनिज्म है, उससे प्रोड्यूस होता है, और इसका यूज़ होता है फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल, ये भी फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होते हैं, और कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम एसीटोब्यूटाइलिकम, ये ऑर्गेनिज्म है जिससे प्रोड्यूस होते हैं, और इसको भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फिर है अल्फा अमाइलेज, अमाइलेज है, नाम ही पता चल रहा है, इंजाइम है, तो ये बैसिलस सेप्टेलिस है, उस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, और यूज़ किया जाता है स्टार्च की ब्रेकडाउन में। फिर अनदर जो प्रोडक्ट होते हैं ये कुछ अमाइनो एसिड हैं, जैसे ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसीन, ये भी फर्मेंटेशन के ही प्रोडक्ट हैं। अब है फर्मेंटेशन जो इंडस्ट्री होती है वो 5 उसमें मेन कैटेगरीज होती हैं,
प्रोटीन एंड अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सब अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वो एक टैंक होता है, और ये जो टैंक है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटर। अब अलग अलग तरह के फर्मेंटर होते हैं, कोई सिंपल होता है, फिर इसी तरह से दूसरा है फैट बैच फर्मेंटर, थर्ड टाइप है इसका एयरलिफ्ट और बबल फर्मेंटर, फोर्थ है टावर फर्मेंटर एंड अदर भी एडवांस टाइप होते हैं। अब इसका जो साइज होता है, अगर लैब पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यू लीटर तक का साइज होता है, बट अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होनी है, तो फिर इसका साइज ग्रेटर दैन 500 मीटर क्यूब होता है। अब यह इसका फर्मेंटर का डिज़ाइन कि एक फर्मेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो यहाँ से गैसेस बाहर निकल जाएंगी, अगर स्टीराइल एयर जानी होगी तो वो यहाँ से जाएगी। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है इस फर्मेंटर में, तभी तो प्रोडक्ट बनता है, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए ये है इनलेट। टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना होता है, तो एक टेम्परेचर मॉनिटर लगा होता है। स्टीरर का काम होता है मिक्सिंग करना, फिर उसके बाद यहाँ से जो कूल वाटर होता है वो अंदर जाता है, इसी तरह से यहाँ से कूल वाटर बाहर आ जाएगा। पीएच मॉनिटर करने, पीएच को भी चेक करने के लिए मॉनिटर लगा होता है। एसिड और बेस अगर ऐड करना होता है तो वो यहाँ से जाएगा, और एंटीबायोटिक्स को अगर प्रोडक्शन हुई है और उसको आउट करना है तो फिर एंटीबायोटिक को यहाँ से आउट कर सकते हैं। अब फर्मेंटेशन मीडियम, उसकी कंपोजिशन क्या होगी। जो फर्मेंटेशन मीडियम होता है उसके, अब क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करवानी है, वो इसका फूड है, मीडियम जो है वो बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड है, तो उसके फूड के लिए क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। जैसे उसके अंदर कार्बन का सोर्स होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम के सोर्स होने चाहिए, तो वाटर, शुगर, लिपिड, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मिनरल्स, ये उसके मीडियम में रहेंगे। फिर इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट के कुछ ट्रेस एलिमेंट चाहिए होंगे, मेटल्स चाहिए होंगे, विटामिन्स चाहिए होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए, और मैक्रो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसी तरह एडिशन फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर, अटैचमेंट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो ये भी ऐड कर सकते हैं मीडियम में। अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन जिसको रिक्वायर्ड है, तो फिर ऑक्सीजन भी ऐड करनी होगी, और वो सिर्फ हम एरोबिक कल्चर के लिए ही यूज़ करेंगे। अब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है, जैसे फर्स्ट है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, सेकेंड है लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन एंड सबमर्ज कल्चर। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो माइक्रोबियल की ग्रोथ होती है वो एक सॉलिड सरफेस पे होती है और इसमें कोई वाटर नहीं रहता है, तो जो वो सॉलिड सरफेस होगा, जो पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं, राइस भी हो सकता है, वीट ब्रान भी हो सकता है, और इनको हम इनोकुलेट कर देंगे मॉल्ट से, ईस्ट से या बैक्टीरिया से। मेनली जो ये फर्मेंटेशन है इसमें सबसे बेटर ग्रो होता है फिलामेंटस फंजाई, और इसके एडवांटेज क्या होती हैं कि ये फर्मेंटेशन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें वाटर की कंजप्शन है ही नहीं या फिर लो है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, फिर इसमें जो एनर्जी का कंजप्शन है वो भी लेस है, एंड कंटामिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो वाटर है उसकी लोअर रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए कंटामिनेशन की प्रॉब्लम भी कम है। फिर इसकी एप्लीकेशन है, इस तरह की जो फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम, एंटीबायोटिक के लिए, इसी तरह से इंडस्ट्रियल इंजाइम की प्रोडक्शन के लिए, जापान में ऐसे सब प्रोसेस को यूज़ किया गया था, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड इथेनल, इसी तरह डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फाइबर्स या लिग्नोसेलुलोज की मटीरियल की डाइजेस्टिबिलिटी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अनदर है सबमर्ज कल्चर या लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन, ये मेनली टैंक में परफॉर्म की जाती है, जिसका जो साइज होता है वो 1 लाख गैलन तक होता है, और मेनली ये आइडियल होती है फॉर ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया एंड ईस्ट। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे बैच मेथड होता है, फैट बैच होता है एंड कंटिन्यूस होता है। बैच क्या होता है, ये क्लोज टाइप होता है। क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब फर्मेंटर होगा उसमें हमने एक बार मीडिया डाल दिया है, एक बार हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए हैं, और उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। बीच में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं, एयर को, एंटी फोमिंग एजेंट को। एंटी फोम क्या होते हैं, जो कि जब, क्योंकि जब मीडिया होता है
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो क्या होता है, फर्मेंटर के में कई बार क्या होता है, फॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी झाग बन जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ एजेंट डाले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट। तो एसिड एंड बेस सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जा सकता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है फैट बैच। फैट बैच इसी का ही इन्हांसमेंट है बैच का ही। इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूस ऐड कर देंगे न्यूट्रिएंट को स्मॉल डोजेस में, स्मॉल स्मॉल डोजेस में कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे। तो ये होता है फैट बैच फर्मेंटेशन। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जो फीडबैक इनहिबिशन होती है ना, कि जो प्रोडक्ट आप इनहिबिट कर देते हैं पूरे प्रोसेस को, तो वो वाली इनहिबिशन यहाँ पे नहीं होगी। देन अब माइक्रोब की ग्रोथ कर्व दिखाई गई है यहाँ पे कि कैसे वो ग्रो करते हैं। इसके अंदर पहला फेज होता है लैग फेज। जब हमने मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया तो ना ही उनका कोई साइज़ इंक्रीज़ हुआ, ना नंबर इंक्रीज़ हुआ, अभी वो इनिशियल स्टेज में है, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो होता है लैग फेज। देन लॉग में क्या होता है, अब उनका नंबर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, तो वो होता है लॉग फेज। स्टेशनरी में क्या होता है कि इक्वल होगा, डेथ भी मतलब इक्वल होगा, ना ही इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, बस सेम है, एकदम कांस्टेंट है, तो वो होता है स्टेशनरी फेज। देन क्या होगा, डेथ फेज। अब न्यूट्रिएंट मीडियम ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, तो कंपोनेंट्स की कमी हो गई है उसमें, तो उसकी वजह से डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो डेथ फेज में होता है। फिर है थर्ड टाइप, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। ये एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम इसमें कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूसली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी टेकन आउट, बाहर निकालते जाएंगे। तो इस तरह के जो फर्मेंटेशन होती है उसको बोलते हैं ओपन। तो ये था पूरा डिटेल अबाउट द फर्मेंटेशन, उसके टाइप्स और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में।